Когда типа цена высчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Чало бай, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नया इवेंट आया है गेम में समुराई बंडल का, तो चलो भाई आज ट्राई करते हैं, या तो इमोट निकले या बंडल। हमारे पास है 513 डायमंड, लेकिन सबसे पहले जाके करेक्टर चेंज करेंगे और अपना प्यारी ईव को लेंगे, एडम की बीवी को, और चलो इसे सिलेक्ट करते हैं। अब देन वेपन वाले सेक्शन में चलते हैं, वेपन हटा देंगे। अरे क्या, जो हमने इक्विप कर रखा है लॉबी में सिर्फ उसे हटा देंगे। चलो यहाँ से ये हट गया, अब पेट को हटा देते हैं। अब तो अब इवेंट खोलते हैं, तो यहाँ से कैंसिल करके समुराई स्पिन वाले इवेंट में जाते हैं। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो मेरे पास 500 डायमंड है फिलहाल। अगर 500 में निकलता है तो मज़े ही मज़े, या तो इमोट निकल जाए या बंडल। तो चलो भाई पहला स्पिन 20 का करेंगे, तो 20 में देखते हैं क्या निकलेगा। मुझे पता है बेकार चीज़ ही निकलेगा, मैंने जैसा कि बोला था। बैकपैक भी है, अगर निकल जाता है तो भाई मज़े ही मज़े है। मतलब 500 के अंदर में 3 आइटम या 2 आइटम भी निकल जाते हैं तो मज़े है। तो 180 का स्पिन कराया है, तो वेपन रॉयल मैजिक क्यू गन क्रेट बैकपैक निकल गया। चलो भाई अब भाई नहीं निकलने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बस घूमते जाएगा और निकलने वाला नहीं है भाई। तो देखो एकदम बगल में आके रुक गया भाई। अब चलो मैजिक फ्रेगमेंट भाई बगल में आके रुक जा रहा भाई, ना इमोट निकला ना बंडल निकला, 180 डायमंड का लोटिया डूब गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो भाई चलो 180 का फिर से स्पिन करते हैं, इसमें नहीं निकला तो भाई बैग ले लेंगे अपन भाई। फिर भी तो 133 टाइम नहीं निकला, फिर से बैकपैक दे रहा भाई, दो बार बैकपैक दे दिया भाई। भाई एकदम बगल में जाके रुक जा रहा, ना इमोट पे रुक रहा ना बंडल पे रुक रहा भाई। ये ट्रिक व्रिक कुछ काम नहीं करता भाई, डायमंड डायमंड से निकलता है भाई। एक इमोट निकल जाए या बंडल फिर भी पैसा वसूल है भाई, कुछ तो निकाल दो भाई। भाई टट्टी टट्टी आइटम दिए जा रहा। चलो भाई अपन बैग ले रहा है, अपन नहीं निकालने वाला भाई। कैरेक्टर कहाँ गया मेरा कैरेक्टर भाई, आ जाओ नीचे कला भाई साहब, आ जाओ भाई। इतना डायमंड तो वेस्ट कर ही दिया है। चलो एक लास्ट स्पिन मार देते हैं 180 का, निकला तो बढ़िया, नहीं निकला तो आज के बाद कभी इसमें स्पिन नहीं करने वाला। 180 डायमंड का तो मार ही नहीं सकते, डायमंड ही नहीं है, 20 का ही मारेंगे भाई। निकल जाना भाई, कुछ तो निकल जाओ भाई, बढ़िया भाई। बंडल निकल गया भाई, अच्छा किया कि मैंने स्पिन कर दिया, वरना मतलब 40 डायमंड से मेरे को बंडल छूट जाता भाई। अगर मैं वापस आके स्पिन नहीं करा होता तो बस 40 डायमंड से बंडल छूट गया होता और कुछ नहीं मिलता, और मैं आज के बाद स्पिन भी नहीं करने वाला था। नहीं सच बता रहा हूँ, आज के बाद कभी स्पिन नहीं करने वाला था मैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बेचोर के काम हम पे। तो चलो अब 93 डायमंड बचे हैं, तो इसका भी स्पिन कर ही देते हैं। कुछ निकल गया इमोट तो बढ़िया है, नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं, अपन लोग को बंडल मिल चुका है, वही बहुत है। उम्मीद नहीं छोड़ने का और 20 का स्पिन मारने का, तो इतना स्पिन कराए हैं तो चलो 53 डायमंड बचा के क्या करते हैं। चलो 20 का 2 स्पिन मारते हैं, शायद अगर निकल जाए तो भाई मज़े ही मज़े है। मेरे को नहीं लग रहा निकलने वाला, लेकिन अपन लोग उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो भाई नहीं निकला, कोई बात नहीं। तो चलो भाई बैग लेते हैं और अपना बंडल देखते हैं। तो वॉल्ट सेक्शन कहाँ गया भाई, वॉल्ट में ओपन करते हैं। तो अदर्स वाले सेक्शन में जाते हैं और ये गन क्रेट के बॉक्सेस पर है, तो ये लोग खोलने वाला नहीं मैं। तो बंडल का इसका भाई मास्क मेरे को काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है, तो चलो इसे ओपन करते हैं भाई। अब इस मास्क को इक्वाइप करके देखते हैं। तो भाई चलो मास्क देखते हैं कैसा है भाई, एकदम हैवी लुक है भाई। इस बंडल पे उतना सूट नहीं कर रहा, अपन बाद में इसका ड्रेसअप बनाएंगे। तो चलो आपको पता चल ही गया होगा कितने के डायमंड के अंदर में बंडल्स निकलते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना।